हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेचर एरा। आज मैं अपनी इस यूट्यूब वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ लहसुन खाने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सेहत से जुड़े हुए क्या क्या राज है जो लहसुन खाने से ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं लहसुन खाने से क्या क्या हेल्थ बेनिफिट हो सकते हैं। पोषण तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसमें अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, विटामिन सी, सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जो शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है। तो चलिए बताते हैं लहसुन खाने से वो कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जिसमें हमें लाभ मिल सकता है। दोस्तों, लहसुन का सेवन करना कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक माना जाता है। नसों में गंदा कोलेस्ट्रॉल जम जाने से रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। दोनों ही समस्या दिल की बीमारी का खतरा बढ़ा देती है। आयुर्वेद कहता है कि हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज कच्चा लहसुन खाकर इसे कंट्रोल कर सकते हैं। यह काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। तो लहसुन हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर में खाया जाता है, इसमें काफी ज्यादा लाभदायक होता है। तो आप भी अगर हाई ब्लड प्रेशर या हाई कोलेस्ट्रॉल का शिकार हैं तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, लहसुन एंजाइमर और डिमेंशिया में भी काफी ज्यादा लाभदायक है। फ्री रेडिकल्स के कारण होने वाले एंटीऑक्सीडेंट स्ट्रेस आपके दिमाग की उम्र बढ़ा देते हैं, जिसके कारण अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी दिमागी बीमारी हो सकती है। लेकिन लहसुन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का नुकसान कम कर देते हैं, जो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। तो आप कच्चा लहसुन का सेवन इन बीमारियों के लिए आप कर सकते हैं। दोस्तों, लहसुन थकावट और कमजोरी में भी काफी ज्यादा कारगर माना जाता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कच्चे लहसुन का सेवन एथलीट्स और स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि कई रिसर्च में इसे एथलीट परफॉर्मेंस को बढ़ाने वाला पाया जाता है। लहसुन खाने से आपको रोजाना होने वाली थकावट और कमजोरी से छुटकारा मिल सकता है। तो अगर आप भी एक एथलीट पर्सन है, आप भी स्पोर्ट पर्सन है, या आपको भी थकावट या परेशानी हो रही है, तो आप लहसुन का सेवन करके इसे दूर कर सकते हैं। यह आपके लिए काफी ज्यादा कारगर होगा। दोस्तों, लहसुन खाना हड्डियों के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद है। माना जाता है उम्र बढ़ने के साथ ही हड्डियों की मोटाई कम होने लगती है और वे कमजोर हो जाती हैं। आयुर्वेद में कच्चे लहसुन का सेवन हड्डियों की मजबूती के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। कच्चे लहसुन खाने से महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन्स में इजाफा होता है, जो हड्डियों की मजबूती में महत्वपूर्ण पाया जाता है। तो दोस्तों, हड्डियों की मजबूती के लिए आप कच्चे लहसुन का सेवन कर सकते हैं, यह आपके स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। दोस्तों, लहसुन एक डिटॉक्स करने वाला फूड भी माना जाता है। लेड जैसी मेटल शारीरिक अंगों के लिए खतरनाक होता है, यह शरीर में जहर बना देता है। लेकिन कच्चे लहसुन में मौजूद सल्फर कंपाउंड इन मेटल से होने वाली डैमेज को खत्म करता है और शरीर को डिटॉक्स करने में काफी ज्यादा मदद करता है। तो लहसुन खाना डिटॉक्सेशन के लिए काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। लहसुन खाना जोड़ों या मांसपेशियों के दर्द के लिए भी काफी ज्यादा कारगर है। अगर आपको बार बार जोड़ों में दर्द या मसल्स में दर्द होता है, तो यह शरीर में बढ़ रही इन्फ्लामेशन का लक्षण होता है। लेकिन कच्चे लहसुन में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं, जो सूजन को खत्म करने में और दर्द में राहत दिलाने में काफी ज्यादा कारगर है। साथ ही साथ दोस्तों, ठंड के समय में ठंड से बचने के लिए भी लहसुन को उपयोग किया जाता है, क्योंकि लहसुन की तासीर गर्म होती है, जो ठंड में गर्मी प्रदान करती है। तो लहसुन ठंड में भी खाना काफी ज्यादा कारगर माना जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जाना कि किन किन बीमारियों में लहसुन खाना फायदेमंद होता है। दोस्तों, अगर आप इन बीमारियों से पीड़ित हैं या आपको ये बीमारियां होने का डर है, तो आप लहसुन का सेवन कर सकते हैं, यह आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। लहसुन में ऐसे गुण होते हैं जो बीमारियों से दूर रखने में काफी ज्यादा मदद करते हैं। तो आप भी अपने डाइट में लहसुन को शामिल कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा सही मात्रा में ही इसका सेवन करिएगा, जो आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लेके आ सकूं। और दोस्तों, अगर आपको किसी और टॉपिक पे क्वेरी है, आप कोई सवाल मुझसे पूछना चाहती हैं, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।